हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ कपिल और मैं आज आप लोग का स्वागत करता हूँ और नए व्लॉग में। सो गाइस, आज का डेट है 22 जुलाई और सुबह का भी 8 बज रहा है। अभी हम लोग आपका निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। अभी मैं वाराणसी के होटल में हूँ। वाराणसी से आपका दिल्ली का कुछ डिस्टेंस है 800 किलोमीटर। सो गूगल मैप दिखा रहा है कि आपका आसपास 16 घंटे से 17 घंटा लगेगा। सबसे पहले तो ये प्लान है कि सबसे पहले हम लोग लखनऊ जाएंगे। लखनऊ से जो अभी सबसे बड़ा हाईवे और लॉन्गेस्ट हाईवे इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, वो वाला हाईवे हम लोग पकड़ के जाने वाले हैं। उसके बाद लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे एंड देन यमुना एक्सप्रेस वे। ऑनेस्टली बताओ कि मेरा बचपन से एक ड्रीम था कि कभी खुद के गाड़ी से आपका यमुना एक्सप्रेस वे जाऊँगा, भी घर से खुद से ड्राइव करके। तो फाइनली आफ्टर 25 लॉन्ग ईयर्स आई एम एबल टू कम्प्लीट माई ड्रीम। बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं। भाई लोग मेरे लिए नीचे वेट कर रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के निकलते हैं, आप लोगों से रोड पे मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। रोड पे आज पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा तबाही सीन्स होने वाला है, बहुत मौज होने वाला है। सो गाइज, अभी हम लोग वाराणसी के पावन नगरी से निकल रहे हैं। तो गाइज, अभी अभी हम लोग निकल रहे हैं आपका लखनऊ के लिए। अभी वाराणसी के पेट्रोल पंप में गाड़ी को फ्यूल अप किया जा रहा है। तो देखते हैं कितना का यहाँ पे ऑयल लगता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके आप निकलते हैं लखनऊ से। लखनऊ पे आप लोगों से मिलते हैं और स्टे ट्यून रहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, सुबह का 8 ही बजे, लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपका ऑयल का लीटर है 97.37। हम लोग ने 3500 का पेट्रोल लोड किया गाड़ी में, क्योंकि पहले गाड़ी में थोड़ा सा ऑयल था। तो चलिए निकले वाराणसी से। दिस इज द ब्यूटीफुल वाराणसी सिटी, देख सकते हैं आप लोग। यार सुबह का 8 बज रहा है, कितना गर्मी है यार। अभी 36+ डिग्री हो गई, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। सो गाइज, लाइक 50 किलोमीटर्स डन फ्रॉम वाराणसी। अभी हम लोग लखनऊ और यहाँ से आपका 200 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा कुछ चाय और मिठाई वगैरह खाने के लिए रुके हुए हैं। तो भैया लोग ये है, चेक दिस आउट। सुबह का यही सीन है, मैं सो गया था गाड़ी पे। अभी मैं रिकॉर्ड करना एक्चुअली चालू करने वाला हूँ। तो आई होप यहाँ से आपका 3 आवर्स के आसपास लगेगा लखनऊ पहुँचने के लिए। रोड कंडीशन बहुत अच्छा है आपका, फुल और फुल हाईवे है, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा कुछ खा हुआ के हम लोग निकलते हैं। ओके गाइज, वी आर नाउ एट बदलापुर। दिस इज द रोड दैट कनेक्ट्स टू पूर्वांचल एंड वी आर नाउ एट NH 731। दिस रोड ऑल्सो गोज टूवर्ड्स लखनऊ, लखनऊ एक्सप्रेस वे एंड पूर्वांचल। दिस इज द ब्यूटीफुल लखनऊ सिटी। वी आर गोइंग टुवर्ड्स लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे। ओके गाइज, स्टार्टेड टू रेन अ बिट, बारिश भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है। बरेली इज 251 फ्रॉम हियर एंड दिल्ली इज लाइक 450 फ्रॉम हियर।
अरे अभी बारिश, अभी धूप, फिर धूप भी स्टार्ट हो गया। वेदर तो एक सेकंड में चेंज होता है यार। Guys, we are now at Agra Lucknow Express. Just check this out. This is a 6-lane highway. This is also the road that connects to Yamuna Expressway. Guys, we are now at Agra Lucknow Expressway. Just check this out. This is one of the best highways ever. You will see. This is a 6-lane highway. थोड़ा भाई लोग रुके हैं फोटो शूट करने के लिए। वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छा है। बारिश स्टार्ट हो चुका है, तो 5 मिनट बाद वेदर चेंज हो रहा है। अभी बारिश तो अभी धूप, ठीक है। आप लोग चेक कीजिए हाईवे, बहुत अच्छा हाईवे, बहुत अच्छा फील हो रहा है। दिस इज हाईवे। पेट्रोल पंप भी नहीं है, खाने का चीज तो दुकान, ये सब तो दूर का बात है। पेट्रोल पंप भी नहीं है। बहुत अच्छा फील हो रहा है अभी जो, और एक आप हवा बॉडी में लग रहा है, और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है मेरे को। इतना दूर से इतना अच्छा हाईवे, मतलब एक बम्स तक मेरे को समझ नहीं आ रहा है गाड़ी में। इजीली हम लोग 120-130 में क्रूज कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। और गाड़ी का परफॉर्मेंस होंडा ओडा का जबरदस्त है, 20+ का माइलेज मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए, एकदम बहुत अच्छा हाईवे है। आफ्टर ड्राइविंग फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स, हम लोग को फाइनली एक आपका यहाँ देख सकते हो कि एक रेस्टोरेंट मिला और सामने एक पेट्रोल पम्प भी है। तो अभी थोड़ा बहुत हम लोग चाय पियेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 200 किलोमीटर तक हम लोग को ना एक पेट्रोल पम्प मिला, ना कुछ ढाबा मिला, कुछ भी नहीं है। तो अभी थोड़ा कुछ खाएंगे, चाय पी के हम लोग निकलेंगे आपका यमुना एक्सप्रेस पकड़ नोएडा के लिए। तो मोर अपडेट्स मैं आपका एक बार यमुना एक्सप्रेस पकड़ने के बाद मैं आपको देता हूँ। फ्यूल अप करेंगे फिर निकलते हैं यहाँ से कुछ खा के। गाइज लाइक लास्ट 20 किलोमीटर्स लेफ्ट फॉर आगरा। ओके
गाइस, वी आर नाउ एट यमुना एक्सप्रेसवे। यहाँ पे एक दिक्कत आ रहा है, लाइक यहाँ पे फास्टैग एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो 40 रुपीज़ कैश पेमेंट करना हुआ। पता नहीं ये कहाँ का नियम है, ऐसा खुद का रूल्स खुद ही बनाते हैं लोग। सेकेंड टोल प्लाजा आफ्टर एंटरिंग यमुना। ओके, यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस के पास है, मेरे को एक रेस्टोरेंट मिला तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो भैया बोलेंगे क्या क्या भैया मिलेगा अभी खाने का? दाल राइस है, राजमा राइस है, मसाला डोसा, प्लेन डोसा, पनीर डोसा, सब कुछ है। स्नैक्स में सैंडविच, बर्गर, हॉट डॉग, कुलचा, पिज्ज़ा। अच्छा, यहाँ पे अभी पूरा होल नाइट खुला रहता है ये सब 24 आवर्स। तो आइए, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि डोसा आपका सब कुछ मिल जाएगा, दाल राइस। इट्स अ नाइस प्लेस, हाइजीनिक भी है। So you can sit here, have your meal. यमुना एक्सप्रेस से जब हम लोग जस्ट घुसते, लेफ्ट साइड में रेस्टोरेंट पड़ता है। ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है भैया? मैजिक फूड जोन। ठीक है, ओके भैया, आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो यहाँ पे और भी कुछ स्पेशल चीज़ें आपको मिल जाएगा। दिस दी बारिस्ता, आपको छोले भटूरे, डोसा सब मिल जाएगा। सब कुछ है यहाँ पे। गाइज, दिस द यमुना एक्सप्रेस वे, और आप ये देख सकते हो मैजिक फूड जोन। यहाँ पे आप आराम से आके आप लोग अपना मील खा सकते हो। यहाँ गाड़ी भी पार्क किया हुआ है। तो चलिए निकलते हैं अभी नोएडा के लिए। Last 90 kilometers left for Noida. As you can see, today we have covered 3 highways. That is Purvanchal Expressway. Next is Agra-Lucknow Expressway, and the last is the Yamuna Expressway. It's been a great day, but at the same time, it's been too tiring also. So we hope that we'll reach it in the next 2 hours. हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अभी नोएडा में हूँ, जस्ट चेक दिस आउट। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि कल रात को मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि रात को पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। तो कल आप लोग देख सकते हो, कल हम लोग ने कवर किया 3 हाईवे। सबसे पहले तो हम लोग ने कवर किया पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, फिर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, देन यमुना एक्सप्रेस वे। तो मेरे को जो लगा कि हम लोग ने टोटल हम लोग का टोल लगा आपका अप्रॉक्स 800 रुपीज़ का, और मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। हमने कवर किया था कल आपका अप्रॉक्स आपका 740 किलोमीटर्स, और हम लोग को आपका अप्रॉक्स फ्यूल लगा था 4700। आप देख सकते हो, ठीक है।
तो माइलेज मिला मेरे को 15.744, तो बहुत ही डिसेंट माइलेज मिला आपका होंडा ऑडा में। और मैं आप लोग को और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई बाइक से आ रहा है ये रूट पकड़ के, कानपुर वाला तो रूट अलग है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस से और यमुना पकड़ के पूर्वांचल एक्सप्रेस, तो आप लोग जेरिकेन में एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी जरूर करना, क्योंकि नहीं तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। क्योंकि पेट्रोल पंप हर 200 किलोमीटर के बाद है और अभी श्योरिटी नहीं है कि पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत मतलब कल हम लोग ने जब फ्यूल भरने गए थे देखा कि अब पेट्रोल नहीं था बहुत एक पेट्रोल पंप में। तो बाइकर्स के लिए मैं ये रूट ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कि अगर क्योंकि आप लोग कानपुर वाले रूट से आओ कि आप लोग के लिए बेहतर होगा, और कार में तो फुल टैंक करके आ भी आ ही सकते हो। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मत भूलेगा, स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देंगे कि मैं नोएडा एक्सप्लोर करने वाला हूँ, और अभी आप लोग देख भी सकते हो कि इट्स लाइक रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड हियर, बहुत ही अच्छा वेदर है, बहुत मज़ा आ रहा है। चलिए इसी के साथ मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।